सिरिंज पंप हमारे 5 ml से लेकर 50 ml तक सिरिंज सपोर्ट करेगा। 5 ml से लेकर 20 ml तक सिरिंज इस स्लॉट में रहेगी, ये इसमें लिखा भी हुआ है। 30 ml से लेकर 50 ml तक सिरिंज इस स्लॉट में रहेगी। सबसे पहले सिरिंज होल्डर है, इसको हम खींच के ये अनलॉक कर दें, पूरा खींच के तभी अनलॉक इसको रोटेट करेंगे ताकि टूटे ना। इसको खींच लेंगे, सिरिंज लिया, लगाया, यहाँ पे सेट कर लिया ऐसे। ये आगे पीछे करने के लिए इसको जब प्रेस करेंगे तभी आगे पीछे होगा। फिर ये रोटेट करके सिरिंज लॉक कर दिया, ये ऑन ऑफ की दिया हुआ है, यहाँ से इसको हम ऑन कर लेंगे। जब ये सेट का इंडिकेटर होगा तभी हम इसमें फ्लो रेट दे पाएंगे। फ्लो रेट देने के लिए ये की है, जितना ही बढ़ाना चाहें उतना, 110 ml, 10 ml पे मैक्सिमम फ्लो रेट है। बढ़ाने के लिए ये है, घटाने के लिए ये है, और डेसिमल के उस साइड के लिए ये है कि जो भी हम देना चाहें। यहाँ से सेट करेंगे, सेट करके ये रन कर देंगे, ये रन हो गया। खत्म होने के बाद आवाज करेगा, ये बोलस का की है। बोलस लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जितना जो भी हम बोलस देना चाह रहे हैं ये इंडिकेट करता रहे कितना बोलस चल रहा है, चला गया है। इसको छोड़ देंगे, नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, 104.1 जो हमने फ्लो रेट दिया था। ये की है मोड का, मोड को जब हम प्रेस करेंगे तो ये सबसे पहली बार जब प्रेस करेंगे तो लिख के आएगा कितना ml ड्रग जा चुका है पेशेंट को। दूसरी बार प्रेस करेंगे तो कितना टाइम से ये चल रहा है सिरिंज पंप, और थोड़ी देर बाद ही अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। 104.1 ये हमने फ्लो रेट दे के रखा था, ये ml पर आवर है फ्लो रेट। और स्टॉप करने के लिए ये की है, इसी से रन होगा, इसी से स्टॉप होगा। पेशेंट कहीं का जाना चाहता वाशरूम तो उसके लिए इसी से हम स्टॉप करेंगे, और इसी को जब दोबारा प्रेस करेंगे तो रन हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा वहीं से। ठीक, ओके।